अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल मैं पिछले दो हफ्ते से अपने पर्सनल फ़ोन की तरह कर रहा हूं, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फुल रिव्यू देना चाहूंगा कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों 40,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होते हैं एंड अगर आप इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रहे हो तो आपको रिव्यू देखना तो बनता है। ये जो स्मार्टफोन है इसकी बॉडी मुझे पसंद आई, जैसा मैंने आपको बताया प्लास्टिक की पॉलीकार्बोनेट की दोस्तों यहाँ पे बैक मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो कैमरा का मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो मुझे पसंद आया है। ये लाइट वेट है दोस्तों 180 ग्राम के आसपास, इस वजह से बहुत ही कम्फर्टेबल भी फील होता है एंड साथ ही साथ बहुत ही थिन है, यानी कि गैलेक्सी ए सीरीज़ में ये अब तक का सबसे थिनेस्ट डिवाइस है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था, लेकिन एक हफ्ते तक बिना किसी स्क्रीन प्रोटेक्टर के यूज करते हुए, बिना किसी बैक कवर के यूज करते हुए भी दोस्तों मुझे इस पे किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं देखा, किसी भी तरह का दोस्तों स्मजेस नहीं देखे। इस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि जी हाँ, ये काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी में आता है एंड रियली इट्स अ कंफर्टेबल स्मार्टफोन। लेकिन क्योंकि ये काफी बड़े स्क्रीन के साथ में आता है, डेट इज 6.7 इंचेस, तो ये बहुत ही बड़ी स्क्रीन हो जाती है, इसलिए आप इसे एक हाथों से इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि सैमसंग में बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं और दोस्तों इसकी यूआई इस तरह से की गई है कि 100 फ्रेंडली इसका यूआई बन जाता है। तो इवन दो 6.7 इंच का स्क्रीन है, फिर भी मैं कई सारे यूआई के एलिमेंट को वन हैंड से रीच कर पाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यह जो स्क्रीन है एक सुपर एमोलेड का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है एंड जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है, इसलिए अगर आप धूप वगैरह में भी जाते हो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्लियरली इसे विजिबल देख सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको जो मिलता है दोस्तों कलर्स, वो कमाल के हैं, कमाल का डिस्प्ले क्वालिटी। सैमसंग के डिस्प्ले क्वालिटी में कोई दो राय नहीं है कि भाई बेस्ट डिस्प्ले ये प्रोवाइड करता है। कोई भी कंटेंट में एचडीआर में वॉच करो, 4K में वॉच करो, इट रियली लुक्स वेरी वेरी गुड। तो मैं कहूंगा भाई कि अगर इसका बिल्ड क्वालिटी वेरी गुड है तो इसका जो डिस्प्ले है वो तो बेस्ट डिस्प्ले ये लोग यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन दोस्तों जो बेजल्स कम है, जो इसका आप व्यूइंग एंगल्स देखोगे उन सबसे ये बिल्कुल ही प्रीमियम फील होता है। तीसरी चीज दोस्तों, जो इसका प्रोसेसर है वो आप जानते हो कि इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, जी हाँ 800 सीरीज का नहीं है, स्टिल इट परफॉर्म्स रियली रियली गुड। इवन इन पबजी दोस्तों स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिल जाता है, जो कि मैं खेला तो मुझे ज्यादा लैग्स या स्टटर्स कुछ भी देखने को नहीं मिले। 60 FPS मुझे मिल रहा था, 55 to 60 FPS बिल्कुल कंसिस्टेंट चल रहा था। जी हाँ, मैं टॉप टीयर का गेमर नहीं हूँ, लेकिन जी हाँ जो भी मैंने गेम करी वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल की थी। इवन इन परफॉर्मेंस दोस्तों, जो भी आइकन के एनिमेशंस वगैरह है दोस्तों, जो भी यहां पे हमें कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूं वो सब कुछ बहुत ही फास्ट खुलता है एंड मुझे आज तक दोस्तों दो हफ्ते से यूज कर रहा हूं, किसी भी एप्लीकेशन में कोई ज्यादा स्टटर या लैग्स देखने को नहीं मिले। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ये बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मैं कहूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। स्नैपड्रैगन 778G पे मैंने कुछ और फोन्स देखे हैं जो कि 120 हर्ट्ज को अच्छे से पुश नहीं कर पाते, बट दिस वन रियली पुशेस इट वेरी वेरी नाइसली। 40,000 रुपए के अंदर में ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा प्रोवाइड करता है। 108 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा दोस्तों, उससे जो आप ये इमेजेस देखोगे वो रियली में कमाल के इमेजेस आ रहे हैं। साथ ही में क्योंकि इसमें आपको OIS मिलता है एंड ये OIS आपका इमेज में भी काम करता है और वीडियो में भी काम करता है, इस वजह से अगर आप नाइट के शॉट्स देखोगे तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे और अगर आप डे के शॉट्स देखोगे तो वो तो कमाल के हैं ही। डे के शॉट्स में दोस्तों आपको जो डायनेमिक रेंज मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, जो आपको कलर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं एंड इवन दोस्तों कैमरा में आपको इतने सारे आपको मोड्स दिए गए हैं भाई, इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं कि आप इसके कैमरा से बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। क्वालिटी के साथ साथ फीचर्स में भी आपको कोई कमी नहीं है। दोस्तों जो भी फीचर्स है ना, मैं कोशिश करूंगा वन यूआई के बारे में एक फीचर की अलग ही वीडियो लेकर के आने की और साथ ही साथ कैमरा के बारे में क्या क्या इसमें फीचर मिलता है उसकी भी एक अलग वीडियो लेकर के आने की, लेकिन अभी बात कर रहा हूँ क्वालिटी के बारे में एंड क्वालिटी रियली इज नाइस। साथ ही साथ दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी वो तो अलग लेवल पे है, ड्यू टू OIS और VDIS, यानी कि दोस्तों यहाँ पे OIS और EIS दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है, इतनी ज्यादा स्टेबल शॉट आती है कि भाई इट्स रियली टोटली वर्थ इट। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आप 4K एट 30 FPS तक कर सकते हो एंड उसमें भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है एंड उसमें भी क्वालिटी तो भाई एकदम से कमाल की आती है। ये दोस्तों इसकी बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी और आप देख सकते हो कितना जबरदस्त विथ OIS आ रहा है कैमरा क्वालिटी, जबकि मैं यहाँ पे वर्क भी कर रहा हूँ।
बाइक के लिए दोस्तों इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड दैट टू वर्क्स रियली रियली वेल इन डे लाइट। जी हाँ, नाइट लाइट में थोड़ा सा यहाँ पे कमी है, बट वाइड एंगल लेंस से कोई नाइट लाइट में क्यों ही लेना चाहेगा। एंड मैक्रो इज नॉट टोटली सेटिस्फैक्ट्री, 5 मेगापिक्सल का है बट उतना क्लोज नहीं जाता। स्टिल मैं कहूँगा कि ठीक ठाक मैक्रो आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, बट यह 108 मेगापिक्सल को जूम करके मैक्रो लो तो वो ज़्यादा यहाँ पे बेटर आएगा। बाकी 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड ये अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जी हाँ बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर वगैरह हो रहा है। बट हाँ, मैं कहूंगा कि ये नहीं भी होता तब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी होती है। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का मिलता है एंड दैट इज रियली नाइस दोस्तों। फ्रंट कैमरा की भी क्वालिटी अच्छी है, अगेन मैं कहूंगा अच्छा फ्रंट कैमरा आपको मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी फ्रंट कैमरा से अच्छा होता है, उसमें भी आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है इसकी फ्रंट की वीडियो क्वालिटी, इट इज प्रेटी नाइस, रियली में अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है इससे सकते हो। सो कैमरा के डिपार्टमेंट में दोस्तों, अगर मैं सिर्फ मेन कैमरा को कहूँ तो भैया मेन कैमरा तो टोटल 4.5 स्टार के लायक है, इतना ज़्यादा बेहतरीन है। बट क्योंकि दोस्तों जो बाकी के कैमराज है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और भी ज़्यादा क्लोज जा सकता था, इस वजह से मैं कहूँगा कि जी हाँ यहाँ पे 4.2 स्टार के आसपास दे सकता हूँ कैमरा को। बट यह रियली में सेटिस्फैक्ट्री कैमरा है, आप कहोगे तो मैं कैमरा से डेडिकेटेड ही वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। बाकी वाले दोस्तों बात करते हैं बैटरी लाइफ की, और 2 हफ्ते में इसने मुझे बैटरी में बिल्कुल भी निराश नहीं किया है दोस्तों। आसानी से मैं इससे 2 दिन का बैटरी बैकअप ले पड़ता हूँ एंड क्योंकि दोस्तों ये मेरा पर्सनल फोन है तो आप जानते हो कि मैं अभी इसका हैवी यूज़ करने लगा हूँ, तो हैवी यूज़ जब कर रहा हूँ फिर भी दोस्तों 1 दिन पूरी तरह से चली जाती है एंड उसके बाद दूसरे दिन जो है मुझे सुबह सुबह चार्ज करना पड़ता है। एंड चार्जिंग के मामले में क्योंकि इसके साथ बॉक्स में चार्जर नहीं आता है, डेट वॉज अ ड्रॉबैक, बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चार्जर अवेलेबल है तो ये जो है मैं 25 वॉट के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ एंड डेट टुक्स अराउंड दोस्तों 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे में ये जो है चार्ज हो जाता है 10% से 100% के आसपास। हाई के लिए दोस्तों इसमें हमें वन यू आई मिलता है सॉफ्टवेयर, और ये मेरा क्योंकि फर्स्ट टाइम है वन यू आई के साथ एंड 2 हफ्ते से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम टोटली सरप्राइज दोस्तों कितने अच्छे से वन यू आई यहाँ पे काम करता है, कितनी सारी फीचर्स है दोस्तों इसके वन यू आई में। इवन इन अगर आप गैलरी में देखोगे तो मैं गैलरी के कुछ फीचर्स के बारे में आपको अगर बताने लगूं तो वो रियली में कमाल कमाल का। एक सिंपल सा फीचर मैं आपको बताऊं, जैसे किसी भी इमेज को क्रॉप करना है तो हम लोग बस उस इमेज को प्रेस करेंगे दोस्तों, पिंच करेंगे एंड नीचे में क्रॉप का बटन आ जाएगा, वहां पर टैप करेंगे तो वहां पर वो क्रॉप हो जाएगा। यानी क्रॉप करने के लिए आपको एडिट में जाने की जरूरत नहीं है, बस इमेज को पिंच करना और एक बटन पर दबाना है, दैट इज रियली नाइस। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एडिट में जाओगे तो यहां पर आपको मिलता है दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि दोस्तों अगर आप 3 डॉट बटन पर टैप करोगे तो ऑब्जेक्ट इरेजर मिलेगा, फेस इफेक्ट, स्पॉट कलर, स्टाइल, कलर मिक्स और रीसाइज दोस्तों, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको जो है AI की मदद से ज़्यादा अच्छे यहाँ पे एडिटिंग वगैरह आपको प्रोवाइड यहाँ पे करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी भी इमेज को खोल के 3 डॉट बटन पे टैप करोगे तो रीमास्टर का फीचर मिलेगा, और रीमास्टर के फीचर की मदद से दोस्तों आपको ये ज़्यादा अच्छी फोटोज़ में एल्गोरिदम को लगाता है जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी फोटोज़ आती हैं। रियली में दोस्तों मैं कहूँगा कि भाई कैमरा का डिफॉल्ट एल्गोरिदम ही रीमास्टर फोटोज बना देना चाहिए। रियली में इट इज़ रियली रियली नाइस दोस्तों। तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं एंड वन यूआई में आप कोई भी फीचर को आप जो है मिस नहीं करोगे। मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट फीचरफुल दोस्तों ये यूआई है और मोस्ट स्टेबल यूआई है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके सॉफ्टवेयर के लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छा मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा, 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 5, रियली मुझे अब तक तो कमाल का लगा है। बाकी दोस्तों ये एंड्रॉयड 12 ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स है तो ये भी इसका एडवांटेज था एंड अभी तक दोस्तों मुझे इसके एंड्रॉयड में कोई ज़्यादा बग्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से काम वगैरह कर रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में आप जानते हो कि यहाँ पे सैमसंग जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड आपको करता है, 4 और 5 साल तक की दोस्तों प्रॉमिस्ड अपडेट ये लोग देंगे एंड दैट इज रियली सुपर कूल। तो ए सीरीज के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे ये एडवांटेज मिलता है कि आपको लंबे समय तक यूज करने के लिए ये डिवाइस आपको मिलता है एंड अगर आप कोई डिवाइस लंबे समय तक यूज करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि 40,000 का अगर आपको प्राइस देना हो तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, दिस फोन इज प्राइसी, लेकिन प्राइसी के साथ साथ ये आपको वो प्रीमियम फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो कोई और प्रोवाइड नहीं करता। चाहे हम लोग बात कर ले दोस्तों इसमें वाटर रेसिस्टेंस की, जो कि आप अंडर वाटर भी थोड़े देर तक इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों इस स्मार्टफोन को। उसके अलावा दोस्तों OIS की, जो कि कोई और स्मार्टफोन जल्दी देना नहीं चाह रहा है। या फिर बात कर ले दोस्तों इसमें हम लोग सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी की, सैमसंग के दोस्तों सिक्योर फोल्डर वगैरह की, वो सब भी दोस्तों इतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है कि कोई और प्रोवाइड नहीं करता है इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा चाहे सैमसंग का आप सर्विस सेंटर देख लो, आफ्टर सेल सर्विस, वो सब कुछ भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्रांड वैल्यू तो सैमसंग से आगे अभी एंड्रॉइड
एंड्रॉयड की दुनिया में और कोई है नहीं। इवन दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छे से काम करता है दोस्तों, एंड ओवरऑल रियली में मुझे ये फ़ोन सच में अच्छा लगा है। मुझे इसके हैप्टिक्स जो है वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और भी बेटर हैप्टिक्स हो सकते थे, बट हैप्टिक्स को छोड़ के हर एक चीज़ दोस्तों बहुत ही कमाल का है। इवन साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो मैं कहूँगा सैमसंग का A73 5G आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इसे बेझिझक बाय कर सकते हो। बट अगेन जी हाँ, इट्स अ प्राइसी स्मार्टफोन, बट या इट डिलीवर्स फॉर द प्राइस। थैंक यू, बाय बाय।